कालका की आवाज सबसे तेज सबसे आगे। देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए एक नजर आज के समाचार की ओर। आज 15 अगस्त जो हमारे लिए एक बड़ा पावन पर्व की तरह हमारे देशवासियों के लिए है, मैं तमाम दर्शकों को सभी अपने इलाका वासियों को हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उन महान सपूतों को, अमर सपूतों को जिन्होंने इस देश के लिए अपने बलिदान दिया, त्याग किया, उन सभी को, उनके परिवारों को भी मैं शत नमन करता हूँ और देश के उन नेताओं की जो हमारे देश की आज़ादी में अहम भूमिका रही उन्हें भी मैं शत नमन करते हुए प्रणाम करता हूँ। और जहाँ आपने सवाल किया बच्चों की बात, क्योंकि बच्चों को इस दिवस का बड़ा इंतजार रहता है हर साल कि 15 अगस्त आएंगे, हम अपने कार्यक्रम, अपनी प्रस्तुतियाँ पेश करेंगे, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के दौरान आज उनकी खुशी में कहीं ना कहीं जो रुकावट आई है, मैं उन बच्चों को यही कहूँगा कि आप चिंता ना करें, इस महामारी कोरोना का आने वाले समय में निश्चित रूप से हम खात्मा करेंगे सब मिलजुल कर, और अगले साल जो आपकी प्रस्तुतियाँ होंगी, आपके जो कार्यक्रम होंगे, मैं बढ़ चढ़ कर उसमें आप योगदान देना, यही हम बच्चों को यकीन दिलाता हूँ। और कोरोना जैसी महामारी के दौरान यहाँ तमाम नर्सों को, डॉक्टर्स को, जो भी इस में लगे हुए हैं, उन सभी को भी मैं इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सैल्यूट करता हूँ और पुनः सभी को हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हम सभी ने यहाँ एक संकल्प भी लिया है कि जो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी इस कोरोना जैसी महामारी से बड़ी बीमारी है, इसको हम ख़त्म करने के लिए सभी मिलकर डटकर हम काम करेंगे, यही हमने आज संकल्प लिया।